किसान भाइयों, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जो ये ज़रूर पता होगा कि नवंबर दिसंबर 2020 बैच के लिए जो मैंने चिक्स डाला था, ये जो चिक्स है किसान भाइयों, हिमालया हैचरी पानीपत हरियाणा से मंगवाया गया था। और यदि बात कर लूँ ब्रीड की, तो ये कोब 430 ये ब्रीड थी। तो इस वीडियो में किसान भाइयों यही बात करने जा रहा हूँ कि हिमालय चिक्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कैसा इनका ग्रोथ है, क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अब तक। और साथ ही किसान भाइयों बात करूँगा कि अब तक मोर्टैलिटी कितनी हो चुकी है। तो ये सब जानकारी देने से पहले किसान भाइयों, मैं अपने बारे जल्दी से बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लूं कि ये जो 12वें दिन की सुबह का टाइम चल रहा है, वो जो इनका ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि किसान भाइयों, सबसे जब ये जो चिक्स आया था तब हमें थोड़ा लगा था कि यार ये जो चिक्स है थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा मल्टी विटामिन पर ज़्यादा जोर दिया और इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा रखा। इनको अच्छा टेम्परेचर दिया, इनके लीटर नीचे जो रहता है उसकी क्वालिटी पर हमने ज़्यादा फोकस किया। और साथ ही किसान भाइयों, अमोनिया का लेवल है कैसा चल रहा है हमारे फार्म पर, इनको कितनी स्पेस देनी है, कैसे कैसे इनकी स्पेस बढ़ानी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। तो जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों में चिक्स को पालना बहुत बड़ी एक सिरदर्दी रहता है, बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ता है अपने फार्म पर। लेकिन ये सब कुछ जो है मेहनत हमें रंग ला रही है हमारी, तो ये जो चिक्स है काफ़ी अच्छा अब चल रहा है। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री में किसान भाइयों सब कुछ आपको बैलेंस में रख कर ही चलना पड़ता है। यदि आपका चिक्स आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और आपके फार्म पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप उनको फीड और जो वाटर दे रहे हैं उस में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है या टेम्परेचर में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो इससे जो है आपका जो बैच है वो थोड़ा वो ख़राब हो सकता है। तो किसान भाइयों, 12वें दिन सुबह का टाइम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चल रहा है, तो इस टाइम 12वें दिन तक की मोर्टैलिटी की बात करूँ तो किसान भाई 14 यानी कि 14th जो है मेरा चिक्स है वो मर चुका है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल मोर्टैलिटी रेट है। इतना जो है मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि इतना चलो बनता है, क्योंकि जो मोर्टैलिटी रहती है चिक्स में फर्स्ट वीक या आप 10 डे कह सकते हैं कि पहले 10 दिन थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद है ये मोर्टैलिटी रेट कम होने लग पड़ता है। लेकिन यदि एक नए फार्मर है, आपको नहीं पता है कि कैसे इनका मैनेजमेंट रखना है, तो ये मोर्टैलिटी फिर बढ़ भी सकती है। तो नए फार्मर से मेरी जेरी गुजारिश रहती है कि आप किसी पोल्ट्री कंसल्टेंट से ज़रूर जुड़े रहें, आप ऐसे फार्मर से भी जुड़े जो बहुत समय से फार्मिंग में है, और उनकी जिस टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उनका ज़रूर विज़िट करें। तो किसान भाइयों, हम टाइम टू टाइम आप सभी किसान भाइयों के ऐसे वीडियो ही लाते रहते हैं, क्योंकि इस बैच में स्टार्टिंग में ही हमें चिक चिक का साउंड आ रहा था, उस पर भी हमने एक वीडियो आपको बनाकर दी थी कि हमें इस बैच में ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको हमने बिल्कुल अच्छे से वो बिल्कुल नॉर्मल वे से उसको सोल्व भी कर लिया था, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी। तो यदि आप एक नए इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे फार्मर है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सन्नी पोल्ट्री आप सभी किसान भाइयों के साथ फीड रेट्स हो, चाहे हमें चिक्स किस रेट पर मिलता है, कौन सी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, कितनी उसकी डोज लेनी होती है, कितने दिन हम वो मेडिसिन चलानी होती है अपने ब्रॉयलर पोल्ट्री में, तो ये तमाम जानकारी सन्नी पोल्ट्री आप सभी किसान भाइयों के लिए जो है इस चैनल पर डालता रहता है। जानकारी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएँ कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।